इस शहर को फिलहाल इस कब्रस्तान की बहुत ज़रूरत है। इस तरीके से हमारे मुमरा को सिर्फ बर्बाद किया गया डेवलपमेंट के नाम पर। हम खिदमत ट्रस्ट वालों से मिलेंगे, उनके नाम हम आपके वीडियो पे आकर बोलेंगे। बिंदा आपके चैनल के जरिए उनसे रिक्वेस्ट करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा बाईपास पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सूखी जगह है। ये जो कब्रस्तान के लिए ये जगह दी गई। आपको बता दें कि जिस तरह से मुमरा शहर में लगातार कोरोना काल में मौतें हो रही हैं और जिस तरह से एमएम अली कब्रस्तान है वहाँ भी लगातार मैयत दफन हो रही है और जो अमृत नगर का कब्रस्तान है वो भी अब बंद करने की बात सामने आ रही है। जो कौसा का बड़ा कब्रस्तान है वो फिलहाल बंद है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर कौसा कब्रस्तान बंद है और अमृत नगर का कब्रस्तान भी बंद किया जाएगा तो सिर्फ एमएम अली का कब्रस्तान बचेगा। डेढ़ महीने के अंदर बताया जा रहा है कि वो भी कब्रस्तान फुल हो जाएगा। लेकिन अब बात सामने आ रही कि जो ये कब्रस्तान बाईपास से लगकर है इस कब्रस्तान को भी चालू किया जाए, ऐसी मांग अब मुमरा शहर के लोग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एमआईएम के सैफ पठान मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कब्रस्तान की ज़मीन कब दी गई थी और आखिर अभी तक इस कब्रस्तान को क्यों नहीं चालू किया गया है। भाई जिस तरह से मुमरा में अब कब्रस्तान के लिए जो है काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कब्रस्तान जो है अब फुल हो रहे हैं, भर रहे हैं वो। तो ऐसे में अब ये जो कब्रस्तान है इस कब्रस्तान को चालू करने की मांग आप लोग कर रहे हैं। देखिए आपको जैसे आपको पता है वैसे हम भी देख रहे हैं अमृत नगर के, आपने बैनर देखेंगे जगह जगह लगा दिए गए कि वो भी कब्रस्तान बंद हो रहा है स्पेशली ओल्ड मुमरा वालों के लिए। तो वही हमारी मांगनी, हम खिदमत प्लस के लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये कब्रस्तान जो 8 से 10 साल पहले आपने हमारे शहर को वक्फ किया था, कुछ विवाद के चलते उसको रोका गया कुछ लोकल नेताओं के जरिए, तो उसे ख़त्म करें और फिलहाल इस वक्त जो शहर को ज़रूरत है ये कब्रस्तान हम लोगों को मिल जाए तो ज़्यादा हमारे पे एहसान होगा मुमरा शहर के। अच्छा ये जो ज़मीन है कब्रस्तान ये सब पूरी तरह से भरनी होकर तैयार थी और कितनी एकड़ ये ज़मीन है? जी देखिए लगभग 2.25 एकड़ ज़मीन है, ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। आप देख सकते इसके बाउंड्री वॉल्स पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, भरनी पूरी तैयार हो चुकी थी और उसके बाद कुछ नेताओं की लालच का ये कब्रस्तान शिकार हो गया। जैसे हमको खिदमत ट्रस्ट ने इसको वक्फ किया था मुमरा शहर के लिए, यानी उसकी जो बढ़ती हुई आबादी को देख करके ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में, तो 10 से 12 साल पहले उन लोगों ने हमको वक्फ किया था लेकिन कुछ लोकल नेताओं के चलते ये लालच के चलते ये इसकी भेंट चढ़ गया और 10-12 साल से बंद बना रेडी होने के बावजूद भी हमको नहीं मिला। लेकिन आज जैसे शहर के हालात बने हैं, जिस तरीके से शहर की पोजीशन बनी है, लोगों को तब्दील करने जगह नहीं, तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं खिदमत ट्रस्ट के लोगों से कि वो नेता को साइड करें और हमको ये कब्रस्तान दे दे, शहर के लोगों को दे दे, फिलहाल इसकी ज़रूरत है। अगर जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये कब्रस्तान जो है रुका हुआ है, नहीं चालू हो पा रहा है, तो लेकिन आज का जो माहौल है, जो वक्त है इस कोरोना काल में, तो मुमरा में जो है कब्रस्तान की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में आखिर इसको क्यों नहीं चालू होने दिया जा रहा है और कौन वो लोग हैं जो लोग रोक रहे हैं इसे चालू? देखिए मुमरा की तो जो हालत है ना, कोरोना के चलते पूरे मुमरा को पता चल गई कि किस तरीके से हमारे मुमरा को सिर्फ बर्बाद किया गया डेवलपमेंट के नाम पर। कुछ भी हमें सहूलतें नहीं मिली, हर एक सहूलतें हॉस्पिटल से लेकर कब्रस्तान तक की आज नौबत आ गई कि हमें नहीं मिला और सब नेताओं की लालचों के चलते हमारी हर चीज़ों को लूटा गया जिसके लिए। और वैसे ही एक विवाद यहाँ पर है इंशाल्लाह ताला, वो जो लोग हैं ना, हम वैसे लोगों का पूरा पर्दाफाश करेंगे, पेपर के जरिए आपके सामने पर्दाफाश करेंगे कि जो लोग अपनी लालच के चलते लोगों की तब्दील रोकने पे फंस गए। हम खिदमत ट्रस्ट वालों से मिलेंगे, उनके नाम हम आपके वीडियो पे आकर बोलेंगे। बिंदा पहले हम लोगों को पेपर आ जाने दीजिए, हम लोग इंशाल्लाह बोलेंगे। अभी फिलहाल हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस शहर को बहुत ज़रूरत है। देखिए हम हाथ जोड़ के खिदमत ट्रस्ट के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस शहर को फिलहाल इस कब्रस्तान की बहुत ज़रूरत है। ये जो भी खेल चल रहा है, जो भी पॉलिटिकल गेम चल रहा है, उसे साइड रख करके जो आपकी मंशा थी खिदमत करने की, वो इसका सही वक्त है। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी वीडियो उन तक पहुँच रही है आपके ज़रिए से, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये कब्रस्तान मुमरा शहर को अब दे दिया जाए, इसे चालू किया जाए, क्योंकि अब पूरे मुमरा के कब्रस्तान बंद हो और फिलहाल लोगों के पास तब्दील करने जगह नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रयास बन सकता है, बहुत यानी यूज़फुल हो सकता है इसका। ये हम आपके ज़रिए आपके चैनल के ज़रिए उनसे रिक्वेस्ट करें। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुमरा शहर में अब जो मैयतें हो रही हैं उसको लेकर लोग काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें हो सकता है, करना पड़े, क्योंकि कब्रस्तान की काफ़ी किल्लत है। जो अमृत नगर का कब्रस्तान है वो भी बंद होने वाला है, लेकिन ऐसे में जो मुमरा बाईपास टोल नाके के सटकर यहाँ पर जो कब्रस्तान है अब इसे चालू करने की मांग की जा रही है कि इस कब्रस्तान को चालू किया जाए। और जो एमआईएम के लोग हैं, सैफ पठान है, निशान अंसारी हैं, इनकी पूरी टीम अब इस
कब्रिस्तान की मांग कर रही है कि इस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द चालू किया जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।